हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज की वीडियो कृष्णागिरी डैम पर है। मैं रिसेंटली कृष्णागिरी डैम गया हुआ था, सो मैंने सोचा कि इस खूबसूरत जगह को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कृष्णागिरी डैम तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कृष्णागिरी जिले की सबसे खास बात वहाँ का मौसम है। यहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पूरे साल यहाँ मौसम सुहावना रहता है। डैम के चारों तरफ पहाड़ हैं जो डैम की खूबसूरती को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर से अराउंड 35 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप बेंगलोर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ भी विजिट करना चाहिए। डैम के पास में ही एक बहुत बड़ा पार्क है जो 50 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इक्विपमेंट्स मौजूद है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ। ये डैम का एंट्री एरिया है। मैं बाइक से कृष्णागिरी डैम गया हुआ था। एंट्री एरिया के सामने ही आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप डैम को दूर से भी देख सकते हैं। ये जो आप सामने आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये डैम है जिसके चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। मैं आपको डैम के चारों तरफ का जो एरिया है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डैम से पानी जो छोड़ा गया है वो नदी के रास्ते जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको डैम के पास ले चलता हूँ। तो ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा डैम का एरिया है और यहाँ पर जो है पानी को स्टोर किया गया है। पानी का लेवल अभी बहुत कम है। आप इस डैम के चारों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं जो कि इस डैम की खूबसूरती को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाते हैं। अगर आप विजिट करते हैं तो आपको ये डैम वीडियो से ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस डैम के चारों तरफ पहाड़ को ही पहाड़ हैं। और ये जो एरिया है, ये डैम है जहाँ से पानी को छोड़ा जा रहा है। पानी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी का लेवल अभी कम है, जिसकी वजह से डैम से जो है कम पानी छोड़ा जा रहा है। अन्यथा अगर पानी का लेवल अगर ज़्यादा होता तो ये सारे के सारे जो आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, निकासी गेट जिसको बोला जाता है, वहाँ सारे के सारे गेट जो है ओपन होते हैं और काफ़ी स्पीड से यहाँ से पानी जा रहा होता है। तो देखिए, पूरे पहाड़ ही पहाड़ आपको इस डैम के चारों तरफ नजर आएंगे। इस डैम से ही सटा हुआ एक पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर पार्क है। ये देखिए, ये पार्क है। ये पार्क पूरा 50 एकड़ लैंड में जो है फैला हुआ है। ये जो आपको वीडियो में जो स्टेयर से दिखाई दे रही है, आप इसके जरिए आप डैम तक पहुंचते हैं। और पार्क के चारों तरफ भी आपको जो है पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में आते हैं तो आप अपना एक अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। इस पार्क के अंदर काफ़ी सुंदर
फ्लावर्स हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है गार्डनिंग की गई है, और बच्चों के खेलने के लिए कुछ प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और इस पार्क के चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। डैम के एंट्री गेट से ही आपको कुछ लोकल शॉप्स मिल जाएंगी, जिनसे आप कोई भी फ्रूट चाट्स हो गया, स्नैक्स हो गया, इस तरह के जो आइटम हैं खाने के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।